गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द असाइनमेंट फर्स्ट वी टेक प्लेज। आई परमिंदर कौर कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम कोविड 19। आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. Now we start. This is your EVS assignment. In previous AV EVS assignment, we just read the lesson, that is me and my body. Today we do the book exercise and question answers of that lesson, that is lesson number 1, me and my body. First is tick the correct answers. First is hands help us to catch, kick, होल्ड ऑल ऑफ दीज। क्या है, हैंड्स किस में हेल्प करते हैं, हमें कैच करने में भी करते हैं, किक करने में भी करते हैं और होल्ड करने में भी। हमें आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज विच इफ दीज इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है, स्किन, हैंड, नोज एंड टंग। आपको पता है स्किन, नोज, टंग जो है सेंस ऑर्गन है, हैंड, हैंड इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। With our leg and foot, we can dash, eat, kick a ball, cut and cook, kick a ball. Which of these help us in breathing, hands, lungs, eyes and ears, lungs. Which organ pump blood in our body, stomach, heart, nose and brain, heart, heart is the right answer. Next is circle the odd one out. First, apple, mango, cabbage and grape. So cabbage is odd one out because all other are fruits. So cabbage, we circle the cabbage. Next is hands, legs, ears and brain. These are all external body part. Brain is the internal body part. So brain, we circle the brain. Next is stomach, brain, nose and lungs. Inme se kaun sa jo hai different hai, nose, because all other are internal body parts and nose are the sense organ. Ears, nose, eyes and teeth. In this, teeth is odd one out because all other are sense organs. Think, breathe, remember and learn. Breathe, because all other are the part of function of the brain. Breathe is the different thing from these. Breathing, eating junk food, brushing teeth, eating fruits. These are all the good for take care of our body. Only eating junk food is not good, so we circle this. Next is fill in the blanks. First fill up is dash controls the whole body. Kaun control karta hai hamari puri body ko? Brain. The dash pumps the blood to all parts. Pump ko blood kaun pump karta hai sare parts mein? Heart. आर डैश हेल्प अस टू ब्रीथ। ब्रीथ कौन, ब्रीथ करने में कौन हेल्प करता है, लंग्स। आर डैश हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, क्या होता है, स्टमक। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डैश ऑर्गन्स। तो ये आपने टू जो है वो बुक पे ही करनी है, फिलअप्स आपने कहाँ पे करनी है, नोटबुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, 5। विच ऑर्गन हेल्प अस टू ब्रीथ, कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है हमें ब्रीथ करने में, लंग्स। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी कौन सा ऑर्गन हमारा पंप करता है ब्लड को, हार्ट। नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कौन से होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, लेग्स, हैंड, दीज आर दी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ठीक है,
इनको हम क्या बोलेंगे, आईज, ईयर, नोज, एग्स, हैंड्स, एक्स्ट्रा आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंटरनल बॉडी पार्ट्स. आंसर इज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक. दीज आर द इंटरनल बॉडी पार्ट्स. ओके, नेक्स्ट इज नेम द फाइव सेंस ऑर्गन्स. इसमें आपने क्या लिखना है, जो आपके फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं उनका नेम लिखना है. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं फाइव? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. दीज आर द फाइव सेंस ऑर्गन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू वॉच टेलीविजन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस. कहते हैं हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब हम टेलीविज़न देखते हैं तो हमें सेफ डिस्टेंस से ही देखना चाहिए. क्यों हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है? बिकॉज, आंसर इज बिकॉज इट इज सेफ फॉर आर आईज. आपने लेसन में रीड किया था ना कि अगर हम टीवी को हमें वॉच करना है तो हमें थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे वॉच करना चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए वॉच नहीं करना चाहिए. तो आंसर इज बिकॉज इट इज सेफ फॉर आईज. ये हमारी आईज के लिए क्या होता है, सेफ होता है. ओके, ये तो आपके कौन से थे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. इन दिस लेसन देयर इज वन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन इज हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. के हम अपनी बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं. मैंने आपको लेसन में भी पॉइंट्स बताए थे ना कि हम अपनी बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट इज ब्रश टीथ ट्वाइस ए डे. कि हमें जो अपने टीथ हैं उनको ब्रश क्या करना चाहिए, टू टाइम ब्रश करना चाहिए वन डे में. ठीक है, ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे. सेकेंड इज हीट ईट हेल्दी फूड. हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड ही खाना खाना चाहिए. ठीक है, ईट हेल्दी फूड मीन वी कंप्राइजिंग वी इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डेली रूटीन डाइट हैबिट्स. ओके, वी आल्सो ऐड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर फूड. थर्ड पार्ट इज ऑलवेज रीड और स्टडी अंडर प्रॉपर लाइट. हमें हमेशा जब भी हम कुछ रीड कर रहे हैं या फिर हम स्टडी कर रहे हैं, किसमें हमें स्टडी करना चाहिए, हमेशा प्रॉपर लाइट में. ऑलवेज रीड एंड स्टडी अंडर प्रॉपर लाइट. ब्रेक बाथ एवरी डे विद सोप एंड वाटर. किससे बात करना चाहिए हमें डेली, सोप एंड वाटर से. ओके, बाथ एवरी डे विद सोप एंड वाटर, जिससे हमारी जो डर्ट है, हमारे जो बॉडी पे डर्ट होती है पूरे दिन की और जर्म्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. अगर हम किससे बात करते हैं, अगर हम सोप और वाटर से डेली बात करते हैं. तो ये इस लेसन के क्या थे, क्वेश्चन आंसर्स थे. अब विद दिस क्वेश्चन आंसर्स आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया. आपने इसको इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं फेयर नोटबुक के पे लिख के फिर आपने उनको लर्न भी करना है. ओके, लर्न करके अपने स्पेलिंग के साथ लर्न किया करो और उसकी प्रैक्टिस किया करो रफ नोटबुक पे. ओके बच्चे, आपने पूरा जो वर्क है फेयर नोटबुक पे नीट एंड क्लीन करना है बिल्कुल. ठीक है, नीट एंड क्लीन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फेयर नोटबुक पे करने हैं. और जो बुक वर्क मैंने बता दिया, क्वेश्चन आंसर्स और फिलअप्स आपने जो है नोटबुक पे करने हैं. जो ये बुक वर्क दिया था मैंने, टिक दी करेक्ट वाला और सर्कल दी ऑड वन आउट, जो आपके बुक में दिए हुए हैं आपने इनको बुक में ही फिल कर लेना है. ओके बच्चे, और क्वेश्चन आंसर्स नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में विदाउट एनी मिस्टेक आपने ध्यान से काम करना है अपनी नोटबुक्स पे. ओके बच्चे, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.